आज का लेक्चर मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगी जब तक आप इस थम्स अप को ब्लू नहीं करोगे और इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं करोगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपके एग्जाम्स में आने वाला है, इसलिए पूरी अटेंशन देनी है आपको इस क्लास में। ये बच्चे भी ना कितने बुद्धू होते हैं, सारा सिलेबस कैसे आ सकता है एग्जाम में। मुझे सब पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना हार्डवर्क कर रहा है और अपने एग्जाम्स को लेके कितना सीरियस है, और ये भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट एग्जाम से सिर्फ एक रात पहले पढ़ता है। अब मैं इनको ये झूठ बोल दूं कि मैंने इनकी मदर्स को कॉल किया था? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, रहने देती हूँ। यू नो स्टूडेंट्स, मैं आप सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल देख रही हूँ। फेल ही होने वाले हो सबके सब, लिख के ले लो चाहे मेरे से। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इजी है और आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 6.5 hours later. 10 minutes more, बस हो ही गया समझो। 2 hours later. इजी था ना? ये जो नॉलेज आपको मिल रही है ना, इतना सब कुछ पढ़ के, याद रखना सारी जिंदगी आपके काम आने वाली है। पूरी लाइफ काम नहीं आने वाला, अनलेस यू बिकम अ टीचर। बहुत ही फालतू है, बट क्या करूं, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। एक दिन तुम लोग मुझे याद करोगे अपनी लाइफ में और ग्रेटफुल रहोगे हमेशा अपनी लाइफ में जो जो चीजें मैंने तुम लोगों को सिखाई हैं। मुझे सब पता है, तुम सब निकम्मे ना इस गेट से बाहर निकलते ही मेरा नाम तक भूल जाओगे। कोई नहीं, मचा लो शोर जितना मचाना है, मैं वेट कर रही हूँ। जितना शोर मचाना है मचा लो, अभी सबकी बोलती बंद करती हूँ मैं। जब मैं टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगी ना कि सबको अपनी अपनी नानी याद आ जाएगी। गेम ओवर। शट अप, दिस इज लिटरली नॉट फनी एट ऑल। ओह गॉड, जल्दी से क्लास ओवर हो और मैं स्टाफ रूम में जाके सब टीचर्स को बताऊं कि आज क्लास में क्या हुआ, बहुत हंसेंगी वो सब। मैं काफी इम्प्रेस हुई इस बार तुम्हारे मार्क्स से, शाबाश। थैंक गॉड इस बार तुम फेल तो नहीं हुए जैसा कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आगे चलकर अपना अच्छा फ्यूचर बना पाओगे ना। क्या करूँ, ये सेंटेंस तो मुझे हर साल हर स्टूडेंट को कहना ही पड़ता है। हाँ, तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यू लेजी बोन्स, कर लो इसको अच्छे से, पक्का आने वाला है। ट्रस्ट मी, आज का टेस्ट आपको बहुत इजी लगने वाला है। मेरा समझाया हुआ एक वर्ड भी अगर तुम लोग लिखना भूले ना इस टेस्ट में तो समझ लेना आज तो भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। आई डोंट बिलीव इन फेवरेटिज्म, आप सब स्टूडेंट्स मेरे लिए एक ही जैसे हो। सब के सब डफर्स हो एक्सेप्ट दैट अंजलि। हाय कितनी प्यारी बच्ची है, हे भगवान हर टीचर को अंजलि जैसी स्टूडेंट दिया करो। हे स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग क्लास में बहुत ही मस्ती और धमाल करने वाले हैं, नो स्टडीज एट ऑल। क्या करूं, आज का लेक्चर तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो पढ़ाऊं क्या मैं तुम लोगों को, और ऊपर से एक हफ्ते से काम वाली भाई भी नहीं आ रही है। This is the worst batch ever. Next class को देखो कितने well behaved बच्चे हैं उस class में। ये class तो क्या, यहाँ तो हर class का यही हाल है, इतने शरारती बच्चे हैं ना कि इनकी चिक चिक से शाम तक सर में दर्द हो जाता है। Good news for you students, आज कोई homework नहीं मिलने वाला आप लोगों को। इतना भी कुछ खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये तूफान से पहले की शांति है। कल डबल होमवर्क मिलने वाला है तुम्हें। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो ट्रस्ट मी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जल्दी से बताओ बात क्या है ताकि मैं अभी के अभी प्रिंसिपल के पास जाके तुम्हारी कंप्लेंट करके आऊं। यू गाइस आर माय फेवरेट क्लास। इतना भी कुछ खास नहीं है तुम लोगों में, वैसे लास्ट ईयर वाला बैच तुम सबसे बेटर था। No eating or drinking in my class. Am I clear?
माई डियर स्टूडेंट्स, आज का टेस्ट आपको फटाफट से करना है क्योंकि बहुत ही इजी है आज का टेस्ट और बहुत ही छोटा है क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है विद इट्स 15 पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, दिस इज अ ट्रायंगल। मैम, ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत है। Yes, मैं यही देखना चाहती थी कि तुम लोग क्लास में कितने अटेंटिव हो। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सो दिस वॉज माई टुडेज व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी आपके सामने। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ। ओके, नाउ व्हाट? अब मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ अपने कुछ व्लॉग्स के साथ। सो जस्ट क्लिक, वॉच एंड एंजॉय।